खिसक गई है माता जी। ऐसा कुछ लग तो रहा है कि क्या बोलते हैं कि माता जी कि पहले जैसे माता जी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ग्रेसफुल थी। अभी तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है सबको हाथ से छूट रहा है, गुस्सा हो जाती हैं, चीज़ें फेंक रही हैं, लेकिन वो जज्बा कायम है कि अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो किस बात से अपने घर से इतना लगाव हो गया है उन्हें दोबारा, और इतनी बुरी तरह से कि वो बाकी के घर के लोगों को भी बाहर निकालने में संकोच नहीं कर रही हैं, इस बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ये होता है कि मैं तो आप नॉर्मल भी निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम गुस्से में जैसे किसी और को देख कर आप निकाल रही हो, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे अब काबू नहीं रहता, जैसे माता जी हमेशा बड़ी संयम और काबू के साथ पेश आती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथ से संयम छूट रहा है। छोटी छोटी बातों पे तुनक जाती हैं, जो अपनी पोजीशन है वो वापस पाना चाहती हैं, सिमर को, रोली को, बाकी परिवार के लोगों को जैसे उन्होंने प्यार देना शुरू किया था, वैसे अब ऐसा लग रहा है जैसे माता जी अब अपनी जगह से थोड़ी डर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनकी जगह ले लेगा, या मैं इस घर से चली गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। अपने घर को पकड़ के रखना चाहती हैं और किसी को भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती जो इस घर में सबकी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है जैसे वापस वो अपना आधिपत्य यहाँ पे जताना चाहती हैं। दो बातें, एक तो मेरे घर में वैसे ही बड़े लोग हैं, मेरी परिवार काफ़ी भरा पूरा है, हमें और लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और माता जी के सामने कोई भी दिखाई देता है, हम उन्हें हाथ जोड़ कर कहते हैं आइए, भारद्वाज हाउस में आपका स्वागत है। चकोर कौन है? क्योंकि मैं तो टीवी देखती नहीं, माताजी टीवी देखती नहीं। और अगर ऐसा है, और जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे परिवार में सभी का स्वागत है, आज तक जितने भी एक्टर्स या कैरेक्टर्स आए हैं हमारे यहाँ पर हमारे परिवार से जुड़ने के लिए, आप कह सकते हैं कि वो हमेशा ही हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, दिल से, मन से, आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आइए, बड़े बूढ़े, नौजवान, छोटे बच्चे, सबका स्वागत है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।